दोस्तों स्कूल लवी द्वारा संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन है, उस एपी का 36 पद ज्ञात कीजिए जिसका 11 पद 38 और 16 पद 73 हो। कौन सा पद ज्ञात करना है? 31 पद ज्ञात करना है। सीडी का 11 पद दे रखा है 38 और 16 पद दे रखा है 73। तो देखो ए 11 यानी कि 11 पद बराबर कितना है 38। 11 पद कैसे लिखते हैं? ए प्लस 10 डी बराबर 38 और देखो 16 पद का है ए 16 बराबर 73। क्या कैसे लिखेंगे? ए प्लस 15 डी बराबर 73। इस समीकरण नंबर एक और इस समीकरण नंबर दो, समीकरण एक व दो से देखो भाई, समीकरण एक ए प्लस 10 डी बराबर 38 और ए प्लस 15 डी बराबर 73। समीकरण यानी लिखेंगे घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो क्या जाएंगे दोनों के चिन्ह पर कितने जाएंगे? देखो प्लस को ये माइनस को एक आएंगे काटे। देखो प्लस के 10 डी और माइनस के कितने 15, तो कितने बचेंगे माइनस के 5 डी बराबर। देखो भाई माइनस के कितने 73 और प्लस के कितने 38, कितने बच जाएंगे 35। कहीं के बच रहे हैं माइनस के, तो माइनस के 5 के बराबर कितने आ गए 35। तो देखो माइनस के माइनस कर दो 5 डी बराबर 35, तो डी बराबर कितना आ जाओ 35/5 और डी बराबर कितना होगा 7। अब देखो भाई डी का मान समीकरण एक में रखने पर, रखो डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक का मान 10 ए प्लस 10 डी बराबर 38, तो ए प्लस 10 गुणा डी को मान कितना है 7 बराबर कितना हो 38, तो ए प्लस 10 गुणा 7 करें कितना हो 70 बराबर 38। देखो ए बराबर 38 माइनस 70, देखो पक्षांतर करेंगे तो प्लस की संख्या कहीं की जाएगी माइनस की। अब देखो माइनस के कितने 70 और प्लस के कितने 38, कितने बचेंगे माइनस के 32 बचेंगे, ठीक है। तो ए का मान कितना आओ माइनस 32। अब देखो भाई ए का मान तो माइनस 32 आओ, अब ज्ञात क्या करो, 31 और पद ज्ञात करना है यानी कि अंतिम पद श्रेणी में कुल पद कितने 31 और 31 और पद क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो अंतिम पद को सूत्र है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यानी कि 31 और पद बराबर ए का मान कितना है माइनस के 32 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 का मान कितना हो, एन का मान कितना दे रखे हो 31, तो 31 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 7। देखो माइनस के 32 प्लस कितने बच गए भाई माइनस के सॉरी प्लस के कितने बच गए 30 गुणा 7, 7 किया 31 कितने 210 और माइनस के कितने 32। देखो माइनस के 32 प्लस के 210 कहीं के बचेंगे प्लस के बचेंगे घटाओ 10 अंक क्या 2 गए तो 8 और यहाँ कितने रह गए 10, 10 अंक में से 3 गए तो 7 प्लस के कितने बचेंगे 178। 31 और पद कितना होगा 31 बराबर 178। ये चीज ज्ञात करने में देखो दोबारा सुन लो, उस श्रेणी का 31 पद ज्ञात कीजिए जिसका 11 पद 38 और 16 पद कितना है 73। 31 पद कितना होगा 178। क्वेश्चन नंबर दो, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो देखो भाई प्रथम पद ए बराबर कितना 3, डी को मान याद करने तो क्या करेंगे देखो 7 डी बराबर
टू माइनस ए वन, ए टू का मान कितना 15 माइनस 3 कितने बच गए 12, तो डी का मान कितना होगा 12। ठीक है, अब देखो भाई श्रेणी का कौन सा पद उसके चौवन पद से 100 अधिक है, तो देखो एनवा पद उस श्रेणी के चौवनवे पद से 100 अधिक है, तो कैसे लिखेंगे, चौवनवा पद प्लस 132। ठीक है, देखो भाई एनवा पद और एनवा पद का होगा ए एन बराबर चौवनवे पद लिख सकते हैं कैसे, ए प्लस 53 डी प्लस 132। ठीक है, अब देखो ए को मान कितना हमारे पास 3 प्लस 54 53 गुणा डी प्लस 132। देखो भाई 12 किया 36, 12 बचे 60 और डी 63 प्लस 132। देखो 3 प्लस 636 कितने रह गए 639 प्लस 132, ये कौन सा हमारा एनवा पद यानी कि एन। ठीक है, अब देखो भाई इनको योग कर 9 दो 11 3 और 3 6 7 कितना हो 771 एनवा पद यानी कि एन बराबर, एन बराबर तो कितना हो 771 यानी कि यह श्रेणी में जो पद चौवनवे पद से 132 अधिक है वो कौन सा पद है 771। अब 771 जो पद है कौन से नंबर को पद है यानी कि पदों की संख्या, यानी कि श्रेणी में कुल पद कितने पदों की संख्या का करनी है हमें ज्ञात करनी है, पदों की संख्या कैसे ज्ञात करनी हमें कैसे पता लगाई, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखो अंतिम पद आ गो, अंतिम पद आ गो तो हम क्या ज्ञात करेंगे पदों की संख्या। तो देखो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन यानी कि अंतिम पद कितना 771 बराबर ए को मान कितना हमारे पास 3 प्लस एन माइनस वन और डी को मान कितना अपने पास 12। ठीक है, पक्षांतर कर दो 3 प्लस को पक्षांतर करेंगे क्या करेंगे माइनस के, तो 771 माइनस 3 बराबर एन माइनस वन इंटू बार। देखो भाई घटा कितने बच गए 600 768। ठीक है, बराबर एन माइनस वन इंटू बार। अब देखो 12 का आराम है गुणा पक्षांतर कर देंगे क्या लगेगा वो भाग, तो एन माइनस वन बराबर 768 बटे 12। देखो 12 भाग दो 12 भाग दीजिए 76 में कितनी जाओ अब बार जाओ बचे 72 कितने बच गए 4 12 चौका 48 एन माइनस वन बराबर कितना हो 64, तो एन बराबर कितना जाओ 64 प्लस 1 तो एन बराबर कितना होगा बस 65। अब कह सके हम कि श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नवे पद क्रम से 4 और माइनस 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि अगर एक पद का है शून्य और वो कौन सा पद है जो जाको मान का हमारे पास शून्य, तो देखो भाई तीसरा पद का टाइटल करें ए थ्री बराबर का दे रखो ए प्लस 2d, तीसरे पद कैसे व्यक्त करेंगे ए प्लस 2d और ए प्लस 2d बराबर कितने दे रखो 4 क्रमशः का मतलब है जैसे यहां क्रम के लिख रहे ना पहले तीसरा तो पहले मान निकाल करो तीसरे को, तो देखो भाई ए नाइन बराबर ए प्लस 8d बराबर कितना माइनस। ठीक है,
इस समीकरण नंबर एक और इस समीकरण नंबर दो, समीकरण एक बार दो से ए प्लस टू डी बराबर चार और ए प्लस आठ डी बराबर माइनस के आठ का लिखेंगे घटाने पर। जब समान चिन्ह हो असमान चिन्ह हो संख्या में क्या कर रही हो कर रही हो तो लिखेगा जोड़ने पर, जब संख्या कटना रही तो का लिखे घटाने पर। संख्या दोनों कैसी है समान लेकिन चिन्ह कैसे करोगे समान तो का लिखेंगे घटाने पर। माइनस माइनस प्लस माइनस की संख्या क्या कहेगी प्लस की, प्लस की क्या कहेगी माइनस की। देखो माइनस के लिए प्लस के लिए आ जाएगी कट जाएगी। देखो प्लस के टू डी और माइनस के कितने आठ तो कितने बच्चे हैं माइनस के छह बराबर। देखो प्लस के आठ और प्लस के चार कितने हैं प्लस के बारह डी बराबर बारह बटे माइनस के छह और डी बराबर कितना हो माइनस के दो। डी को मान रहा हूं डी का मान समीकरण एक में रखने पर रखो भाई याद रही तुम डी का मान समीकरण एक में रखने पर रखो भाई समीकरण एक का मान ए प्लस टू डी बराबर चार तो ए प्लस दो गुणा डी को मान माइनस दो बराबर चार। देखो ए माइनस दो गुणा प्लस दो करेंगे तो माइनस के कितने जाएंगे चार और बराबर के कितना हो चार या पक्षांतर करके कहेंगे जाएंगे प्लस के तो ए बराबर कितना हो चार प्लस चार तो ए बराबर कितना हो आठ। ठीक है ए को मान रखो डी को मान रखो। अब हमने क्या क्या करना है कि कौन सा पद श्रेणी को पाए शून्य माना एपी का एनवा पद शून्य है। ठीक है अब देखो यानी कि एन पद का श्रेणी को शून्य तो एन पद का ज्ञात करें एन पद का ज्ञात करें अंतिम पद का और अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र है ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। अंतिम पद का रखा तो शून्य है तो जीरो बराबर ए को मान कराए आठ प्लस एन माइनस वन और डी को मान कर माइनस के दो। ठीक है अब देखो आठ का को प्लस को पक्षांतर कर दें का बजाओ माइनस के तो माइनस के आठ बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस के दो। देखो माइनस दो को क्या हो गुणा पक्षांतर कर दें का लग जाओ भाग तो माइनस आठ बटे माइनस के दो बराबर एन माइनस वन। माइनस से माइनस कट को दो को भाग दे कितनी बार जाओ चार एन माइनस वन। अब देखो माइनस को एक है पक्षांतर कर दें का लग जाओ प्लस को तो एन बराबर कितना हो चार प्लस एक एन बराबर कितना हो पांच यानी कि श्रेणी का पांचवा पद का है शून्य। ठीक है
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई प्रथम पद ए बराबर ए, 7 अंतर बी बराबर ए टू माइनस ए वन, 4 माइनस ए कितना हो 3, तो डी बराबर कितना हो 3। अब का ज्ञात करना, देखो अंत से 12वां पद, जब अंत से 12वां पद ज्ञात करें ना, यहां लिखोगे अंत से एन वां पद बराबर, सूत्र हो एन माइनस एन माइनस वन इंटू में डी, एक चीज देखो, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए, जहां प्रथम पद ए बराबर कितना हो 1, 7 अंतर डी बराबर कितना हो 3, अंत से एन वां पद अंतिम पद एन बराबर का ना रखो 88। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 .88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रथम पद ए बराबर ए, 7 अंतर बी बराबर ए टू माइनस ए वन, ए टू को मान कितना 4 माइनस ए वन को मान कितना 1, तो डी बराबर कितना होगा 3, ठीक है। अब देखो भाई अंतिम पद ए बराबर कितना दे रखा है 88, अंत से एन वापस सूत्र है एन माइनस एन माइनस वन इंटू में डी, मान रखो ए को मान 88 माइनस एन माइनस वन और डी को मान कितना है मेरे पास 3, एन वन यानी कि 12 पद पूछ रहे हो, तो एन को मान कितना है 12, रखो 88 माइनस 12 माइनस ये करेंगे कितना हो 11 गुणा 3, कितना हो 88 माइनस 33 कितना हो 55, ठीक है। अंत से एन वां पद ज्ञात करना, अंत से एन वां पद कितना बार पास 55, यानी तो अंत से 12वां पद, ये चीज तो ज्ञात करनी है ना, क्वेश्चन देख रहे अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए, सूत्र हो अंत से एन वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 तथा सातवां पद 22 है तो उसके 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई दूसरा पद यानी कि ए टू बराबर कितना 2, ए टू को व्यक्त करें हम ए प्लस बी बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1। सातवां पद ए सेवन बराबर ए, ए सेवन बराबर कितना 22, क्या कैसे देखेंगे ए प्लस 6 डी बराबर 22, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से ए प्लस डी बराबर 2 और ए प्लस 6 डी बराबर 22 घटाने पर समान चिन्ह होने का लेके घटाने पर असमान चिन्ह होने का लेके जोड़ने पर, देखो समान चिन्ह तो हम निकालेंगे बताने पर प्लस माइनस करेंगे कट के माइनस के 6 और प्लस को 1 कितने बचे माइनस के 5 भी बराबर, देखो माइनस के कितने 22 और प्लस के कितने 2, तो कितने बचेंगे माइनस के 20,
माइनस के माइनस कर दो, पांच डी बराबर कितना हो 20, डी बराबर कितना हो 20 बटे 5, तो डी बराबर कितना हो 4। ठीक है, डी का मान समीकरण एक में रखने पर रखे भाई, तो समीकरण एक का मान a प्लस डी बराबर 2, तो a प्लस डी का मान कितना हो 4 बराबर कितना हो 2, तो a बराबर कितना हो 2 माइनस 4, तो a बराबर कितना हो माइनस के 2, a का मान आओ माइनस 2। अब ज्ञात करना होगा 30 पदों का योगफल, और योगफल तो सूत्रों में ऐसे है बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मान एस n को मान 30, 30 बटे 2 2a 2 गुणा माइनस 2 प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1 गुणा d को मान कितना है 4। रखो भाई देखो एस 30 बराबर 30 में 2 को बाहर करके कितनी बार जाओ 15 बार, 2 गुणा 2 करेंगे माइनस के कितने आ गए 4 प्लस, देखो प्लस के 30 माइनस 1 करेंगे कितने 29 गुणा 4। देखो भाई गुणा 9 चौका 36 3 4 दून 8 3 11 प्लस के कितने आ गए 116 एस 30 यानी 30 पदों का योगफल 15। देखो माइनस के 4 प्लस के 116 कितने बचेंगे प्लस के 112। ठीक है, गुणा करो 15 15 गुणा 30 15 एकम 15 3 18 15 एक 16 30 पदों का योगफल कितना हो 1680। ये आंसर।